कल बलौदा बाजार में घटित घटना एक हिंसात्मक घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। असल में सतनामी समाज के लोग जो बलौदा बाजार का दशहरा मैदान है वहाँ पे अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच दोपहर में करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास कुछ अराजक तत्व आते हैं, उपद्रवी तत्व आते हैं, जिसके बाद उस भीड़ को उकसा देते हैं, भड़का देते हैं और फिर वो भीड़ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचती है, एसपी ऑफिस पहुंचती है। देखते ही देखते पुलिस वालों को चोटिल करते हुए, घायल करते हुए वो भीड़, बेकाबू भीड़ पूरी तरीके से एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी की घटना को अंजाम देती है, जिसमें दो जो कह सकते हैं कि अग्निशामक गाड़ियां होती हैं दमकल की, वो भी जल के खाक हो गई हैं। 20 से 30 फोर व्हीलर जल चुके हैं और 70 से 80 टू व्हीलर जल के खाक हो चुके हैं। जो भी एसपी ऑफिस में दस्तावेज रहते हैं वो भी पूरी तरीके से जल के खाक हो चुके हैं। अब ये घटना क्यों घटी, किस वजह से सतनामी समाज के लोग दशहरा मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वो कारण रहा, इसको जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना ज़रूरी है। ये घटना 15 मई की रात से शुरू होती है। जैतखाम जो कि सतनामी समाज में पवित्र माना जाता है, जैत मतलब जय और खाम मतलब खंभा, मतलब जय का खंभा, विजय का खंभा। बलौदा बाजार के गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मानाकोनी बस्ती में एक बाघिन गुफा है, जहाँ पे सतनामी समाज का जैत खाम है। उस जैत खाम की जो ऊंचाई है वो करीब 77 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ये साल 2014 में इसको सतनामी समाज के लोगों ने बनाया था। जैत खाम, जय का खंभा, जो सतनामी समाज में काफ़ी पूजनीय है, लोग पूजा पाठ करते हैं। 15 मई को रात में कुछ अराजक तत्व जो जैत खाम होता है उसमें तोड़फोड़ करते हैं। 16 मई को जैत खाम के टूटने फूटने की जो घटना होती है वो सतनामी समाज के लोगों को पता चलती है, जिसके बाद 16 मई को ही वो प्रदर्शन करते हैं। 17 मई को इस मामले में पुलिस केस दर्ज करती है और फिर जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 19 मई को पुनः सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन करते हैं, चक्का जाम फिर करते हैं, जिसके बाद पुलिस बिहार के 3 मजदूरों को गिरफ्तार करती है। वो बताते हैं पुलिस वाले कि ये जो नल जल योजना के तहत ये मजदूर काम कर रहे थे और उनको जो ठेकेदार रहता वो टाइम से पेमेंट नहीं देता या कुछ पेमेंट को लेके बकझक रहता, जिसके बाद वो गुस्से में आके जो जैत खाम है उस पर तोड़फोड़ करते हैं। चूँकि सतनामी समाज के लोगों को जो 3 आरोपी रहते हैं सही गिरफ्तारी नहीं समझ में आती कि पुलिस ने सही लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, मतलब जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से एक बैठक फिर बुलाई जाती है। 20 मई को सतनामी समाज की बैठक होती है, बड़े स्तर पर होती है, पूरे प्रदेश के लोग वहाँ पहुँचते हैं। 21 मई को पुनः कलेक्ट्रेट परिसर में जाके ज्ञापन दिया जाता है कि इस घटना की जो है न्यायिक जांच शुरू हो, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है वो सही लोगों की नहीं है, जो दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए था पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है। फिर 8 जून आता है और 8 जून को फिर जाके ज्ञापन दिया जाता है इसी परिप्रेक्ष्य में कि जो जैत खाम की तोड़फोड़ हुई थी उसको लेकर अब तक क्या हुआ। DM और SP ऑफिस में जाके ज्ञापन दिया जाता है। 9 जून का दिन आता है और फिर 9 जून को जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो शासन प्रशासन के लोग रहते हैं वो और इस समाज के सतनामी समाज के वरिष्ठ लोगों की आपस में एक मीटिंग होती है। वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जो भी इसमें गुनाहगार हैं, जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। और वही बयान उसी दिन 9 जून को ही जो डिप्टी CM है विजय शर्मा उनका भी आता है कि जो भी आरोपी उनको छोड़ा नहीं जाएगा, हम इसकी न्यायिक जांच करेंगे। और उसी दिन जो वरिष्ठ जन रहते हैं वो कहते हैं कि दशहरा मैदान में हम अपना एक प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो शांति तरीके से, शांति ढंग से प्रदर्शन होगा। शासन प्रशासन
मंजूरी दे देता है और कल 10 जून को दशहरा मैदान में सतनामी समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से ही अपना प्रदर्शन कर रहे थे। चूँकि ये बलौदा बाजार के गिरौदपुरी की घटना है, गिरौदपुरी जो कि बाबा गुरु घासीदास का जन्मस्थान भी माना जाता है, और बाबा गुरु घासीदास सतनामी समाज में सत्य अहिंसा परोपकार का एक संदेश दिए हैं जिसको लेकर सतनामी समाज के लोग उसका पालन करते हैं। चूँकि ये गिरौदपुरी में ही जैतखाम स्थित है, बाघिन गुफा में, और काफ़ी अधिक ये पूजनीय भी है, सतनामी समाज के लोग इसको पूजते भी हैं, डेली इसकी पूजा अर्चन करते हैं। अब 10 तारीख को कल ही सतनामी समाज के लोग अपना जो भी कह सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच कुछ अराजक तत्व 2:30 बजे के आसपास पहुंचते हैं और फिर भीड़ को उकसाने का काम करते हैं, और फिर देखते ही देखते पूरे बलौदा बाजार में हिंसक घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी की घटना, SP ऑफिस में तोड़फोड़, आगजनी, 20 से 30 फोर व्हीलर गाड़ियाँ जल गईं, 60 से 70 टू व्हीलर गाड़ियाँ जला दी गईं, कहीं कहीं 80, कहीं कहीं 100 का भी जिक्र है। 2 दमकल की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल 60 से 70 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, चूँकि जितने भी CCTV फुटेज थे सबको तोड़फोड़ कर दिया गया, तो पुलिस ने भी ड्रोन से निगरानी की, 60-70 लोगों को गिरफ्तार किया है। विजय शर्मा का न्याय बयान भी आया कि हमने तो CBI जांच की भी इस मामले में शुरुआत कर दी थी, लेकिन अचानक से भीड़ ने ऐसा कुछ कर दिया। और फिर अब हम पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए कि कौन तोड़फोड़ किया था और कौन कल उपद्रव किया, सबकी हम पूरी कह सकते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से जांच कराएंगे, और जो भी आरोपी होगा कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिलहाल बलौदा बाजार में शांति व्यवस्था स्थापित है और लगातार पुलिस चौकन्ना है। 15 जून या 16 जून तक पूरे बलौदा बाजार में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है।